आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि जय श्रीमन्नारायण जय स्वामिनारायण प्रिय भगवत बंधो आज इस कार्तिक मास का सु अवसर पर आप लोगों के साथ इस संकटमोचन हनुमान जी की सन्निधि में स्वामी नारायण परंपरा का मूल स्थान और यहाँ पर परम पूज्य परम श्रद्धेय आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज का सन्निधि में और यहाँ पर इतने संतगण और वरिष्ठ भक्तगण के साथ आज यहाँ पर रहना बहुत बहुत आनंद दे रहा है ये तो सहज़ आनंद दे रहा है और यहाँ आने के बाद हमारे परमात्मा आनंद जी के साथ मिलना भी बहुत उसका सुगंधता को बढ़ा रहा है बंधुओं आज प्रातःकाल हमने एयरपोर्ट गए थे कल तक और एक जगह पे हमारे आराध्य मूर्ति श्री रामचंद्र भगवान का सहस्र घटा अभिषेक महोत्सव था वहाँ उस कार्यक्रम को समाप्त करके रात में दस बजे को वहाँ से निकले दस ने बारह बजे को और हैदराबाद पहुंचे तीन बजे को वहाँ उसी समय में अनुष्ठान आराधना समाप्त करके तुरंत छः बजे को हमने एयरपोर्ट पहुंचे लेकिन तब वहाँ का जो लोग कहा काउंटर क्लोज है हमने हताश हो गया और हमारे रामप्रीत स्वामी जी को हमने फ़ोन करके बताया कि हम तो इस सौभाग्य से वंचित हो गए हैं कि अभी आ नहीं सकेंगे शायद लगता है तो पूज्य श्री राकेश प्रसाद स्वामी जी महाराज के साथ विनती करना है कि हम वहाँ पर नहीं आ सकेंगे परंतु हमारे रामप्रिय स्वामी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा यदि यहाँ का संकट मोचन हनुमान प्रभावशाली है तो आप सायंकाल तक अवश्य ही यहाँ रहेंगे और तो सिद्ध हो गया हम यहां पर हैं अभी यह तो स्वप्ना नहीं है यह तो सचमुच बात है आप लोगों के साथ इतना वैभव को यहां दर्शन करते हुए हम यहां पर पहुंच गए पूज्य विवेक सागर स्वामी जी लाकर हमको यहां पर विवेक सागर स्वामी जी के साथ मिलाकर आप लोगों के भक्तों के साथ इत सत्संग अनुभव करने के लिए हमको एक मौका दिए हैं जिसके लिए हम बहुत बहुत ही आभारी मानते हैं आभार मानते हैं और संकटमोचन हनुमान जी को बारंबार साष्टांग करते हैं बंधुओं, हमने सुना कि यहां 175 हंड्रेड एंड ईयर्स से पहले पूज्य सहजानंद स्वामी जी महाराज का ही करकमल से नहीं और उनकी कृपा से पूज्य संत गोपालंद स्वामी महाराज का कर कमल से यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिष्ठा हुई है और तब से आज तक वे किसी को भी कुछ कष्ट होता तो कष्टों को दूर करते ही रहे हैं कष्ट भंजक ही बने हैं आज भी वही हुआ आज भी प्रातः काल में हमारे मन में इतना कष्ट था कि एयरपोर्ट में आकर टिकट भी लेकर अंदर जाकर गेट तक भी गया लेकिन जो साथ में लगेज था वो काउंटर वाले लिया नहीं तब वापस जाना पड़ा वो भी तो एक कष्ट था लेकिन यह तो छोटा सा कष्ट था परंतु यहाँ का कष्टभंजक बड़े बड़े कष्टों को भी हटाकर भक्तों की रक्षा करते हुए यहाँ पर विराजमान हैं जिसकी सेवा करते हुए स्वामी नारायण संस्थान स्वामी नारायण की सेवा करते हुए और उनकी परंपरा और विज्ञान धारा को भी रक्षा करते हुए यहाँ से दुनिया में उस मैसेज को प्रसार कर रहे हैं अभी हमने दर्शन किया स्वामीनारायण रास का दूसरा भाग हमारे जो कुंडल वाले स्वामी ज्ञान ज्ञान जीवन स्वामी जी महाराज कितना अच्छी तरह बना है लगता है कि हम अभी उसी जगह पे हैं जहाँ पर वो रास चल रहा है यद्यपि ये, ये तो एनिमेटेड वर्शन है परंतु ये इतना सुंदर और इतना प्रभावशाली बना है कि हम लोगों को उसी रास के बीच में ले रहा है ज्ञान जीवन स्वामी जी महाराज को हमारा सौहार्द प्रकट करते हुए वे करीब सात आठ महीने तक बहुत कष्ट उठाकर और इतना सुंदर दृश्य भक्तों का मन मंदिरों में प्रतिष्ठा किए हैं इस रास के द्वारा और ये तो अहो भाग्य की बात है बंधों यहाँ पर कष्टभंजक स्वामी जी भंजन हनुमान यहाँ पर सुंदर स्वरूप में विराजमान हैं और वो तो सबका प्रिय है दुनिया में हम मानते हैं कि रामचंद्र की आराधना करने वाले कम होंगे लेकिन हनुमान जी की आराधना करने वाले बहुत सारे लोग हैं गांव गांव में घर घर में हनुमान जी की सेवा करते हैं लोग कारण ये है वे अत्यंत निराडंबर है यद्यपि महत्व से परिपूर्ण है फिर भी विनय से अत्यंत ही सुलभ है और भगवत सेवा में कटिबद्ध भी हैं जैसे स्वामी नारायण के साधु संत गण रहते हैं हम जब कभी साधु संतों का दर्शन करते हैं मन में लगता है इन साधु संतों की निष्ठा देखकर और इन साधु संतों की कार्य दक्षता को देखकर और इन साधु संतों का नियम पालन को भी देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है जहाँ भी जाए तो स्वयंपाकी बनते हैं नियम से रहते हैं जो भी जो संतों का धर्म होता है उसकी पालना करते हैं ये तो इन साधुओं को जो आचार्य श्री ने बनाए उनकी कृपा है और उनका महत्व भी है तो हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसी ताकत को ऐसी उनकी कृपा को सदैव बढ़ाते रहें और साधु संतों का जो प्रभाव भी बढ़े और ये संख्या भी बढ़े ताकि दुनिया में आजकल इसका जरूरत बहुत है हम देख रहे हैं दुनिया में जहाँ भी जाए जहाँ भी देखो लोगों को आपस में अहंकार से और पॉसेसिवनेस से स्वार्थता से सब लोग आपस में लड़ते हैं ये कि भाषा वाले आपस में लड़ते हैं ये कि जाति वाले आपस में लड़ते हैं ये कि देश वाले आपस में लड़ते हैं एक कि संप्रदाय वाले आपस में लड़ते हैं ये क्या बहुत दुख की बात होता है अभी हम सुन रहे हैं और वहां जो रशिया में क्या हो रहा है इसराइल में क्या हो रहा है और जगह जगह पे इस कष्ट काल में कष्ट भंजन का महत्व कोने कोने पे पहुंचना है और आचार्यों की कृपा से इस साधु संत गण घर घर पे पहुंचना है और उन लोगों का संस्कार को बढ़ाना है और आपस में हमारा संबंध क्या है इसके बारे में भी बताने की जरूरत है बंधुओं हजार साल पहले जब रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज इस धरती पे पदार्पण किए थे उस समय का हाल और कुछ था लोगों को केवल बाहर का वेश से ही देखते हुए दूर रखते थे समाज से बहुत दूर उनको भगाते थे और भगवान का मंत्र सबको मिलता भी नहीं था और व्यक्तियों के बीच में अंतर भी बहुत रहता था रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जिसको आदिशेष अवतार बोलते हैं वे स्वयं ही पहले अपना ज्ञान को सिद्ध करके दिखाया आचार्य श्री के साथ और विद्वत गोष्ठी के अंदर भी बाद में दुनिया में वे जगह जगह पे गए थे और लोगों का हाल वो दर्शन किए थे तब उन्होंने संस्कारों को प्रवेश करना इंट्रोड्यूस परिचय करना वो आरंभ किए थे हम सुनते हैं वे स्वयं ही उतना विद्वान होते हुए भी और सन्यासी बनने के बाद भी जब एक आचार्य के साथ भगवत गीता का जो चरम श्लोक बोलते हैं जो भक्ति संप्रदाय का सार को बताता है शरणागति का महत्व को बताता है और उसका सार उसका सारतम अर्थ जो है उसको माई ग्रहण करना है आचार्य श्री के पास वो जाते थे अपने जगह से जिसका नाम है श्रीरंगम बोलते हैं जहां पर वो स्वामी जी महाराज विराजते थे जहां हमारे स्वामी नारायण महाराज भी वहां पर कुछ समय वहां पर विराजते थे तब गोष्ठीपुरम और एक जगह था करीब 200 मील 100 मील वहाँ वहां बीच में अंतर था सन्यासी जंतु के ऊपर चढ़कर नहीं जाना है उस समय में तो रेल बस फ्लाइट या अभी हमको यहाँ पर लाए हैं हेलीकॉप्टर ऐसा साधन तो थे नहीं पैदल ही चलते थे 200 मील माइल पैदल चलना 200 मील माइल पैदल आना जब गुरुजी के पास जाकर प्रार्थना करते थे कि मैं इसके लिए यहां पर प्रस्तुत हूं तो सब कुछ टेस्ट करते थे गुरुजी और तो संतृप्त बनते थे फिर भी ठीक है दो तीन महीने के बाद देखेंगे कुछ भी नहीं बोलकर रामान स्वामी जी फिर वापस जाते थे बराबर जिस समय आचार्य श्री ने बताया उसी समय में फिर वापस आते थे फिर भी टेस्ट किए ठीक है बहुत अच्छा है और तीन महीने के बाद देखे जाए फिर वापस एक दो तीन कितने बार जाते हैं आजकल के लोग बोलते हैं अरे तुमको जानते तो बोलो नहीं तो नहीं जानता हूं बोलो हो गया काम अरे इतने बार क्यों फिराते हैं हमको लेकिन रामानुजाचार्य स्वामी जी ऐसा नहीं कहे थे अठारह बार ऐसा आते जाते आते जाते पैदल चलते चलते देखकर रामानुजाचार्य स्वामी जी नहीं थक गए आचार्य श्री थक गए और अठारह बार उनसे प्रॉमिस ले लिया कि मैं इसको अत्यंत गुप्त ही रखूंगा और मंत्र उपदेश कर दिए मंत्र अर्ध बता दिए जानने के बाद रामानुजाचार्य स्वामी जी का मन में हुआ कि इतना महत्वपूर्ण जब ये है ये सबको यदि मिल जाए तो सारा संसार उद्धार तो हो जाएगा मानचार्य स्वामी जी महाराज आते जाते वक्त बीच में रहने वाले लोग पूछते थे महाराज आपको ही इतना कष्ट होता है तो हमारे जैसे लोग हाल क्या होगा उन लोगों से रामानंद स्वामी जी ने प्रॉमिस किया यदि मुझे ये मिलता और ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त होता तो हम अवश्य ही आपको भी इसका वैभव हम शेयर करेंगे अठारह बार तो मिल गया लेकिन तब आचार्य श्री ने प्रॉमिस ले मैं किस, किसी को भी यह नहीं बता दूंगा जो आचार्य श्री ने उपदेश दिया उसको तो नहीं बताना है क्योंकि आचार्य आज्ञा तो अनुलंघनीय है फिर भी लोगों को कुछ ना कुछ तो समझाना चाहिए और इस मंत्र का मूल है आठ अक्षर वाला अष्टाक्षरी महामंत्र उसका ही तो ये तो विवरण है तो इसलिए हम उसको बता देंगे स्वामी जी महाराज अठारह बार मंत्र स्वीकार करने के पश्चात बाहर निकले बगल में रहने वाले गोपुर के ऊपर छेड़े और जो भी वहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे उन लोगों को उपदेश दे दिए लेकिन समाचार तो हम आजकल जानते हैं वहाँ पर कुछ होता है बताने वाले उसको और 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 उसको स्ट्रिंग लगाते हैं और पूंछ लगाते हैं सब कुछ लगा कर असल जो चीज है वो बदल जाएगा जो दूसरा चीज है वो तो बाहर निकलेगा ऐसा निकल गया कि महाराज आपने जो मंत्र दिया उसको तो रामानुज ने बाहर कर दिया गुरु तो नृसिंग अवतार धारण कर लिए आए दौड़ दौड़ते और पूछा है जी क्या कर दिया तूने मेरी आज्ञा को तो उल्लंघन कर दिया पता है इसका फल क्या होता है रौरवादी नरक रामानुजाचार्य स्वामी जी तो नाराज नहीं हुए और उसको प्रतिवाद करने की चेष्टा भी नहीं किए पहले तो स्वीकार कर लिया और बाद में कह दिया स्वामी जी महाराज ये अष्टाक्षर मंत्र को सुनने से लोगों को क्या होगा हां वो तो उद्धार होंगे परंतु तुम्हारे हाल क्या होगी महाराज दो बात है पहली बात है ये मंत्र मैंने नहीं दिया आपका ही श्री चरण सामने रखकर बोल दिया तो आपका श्रीचरण का ही प्रभाव है इन लोगों का उद्धार मेरा तो कुछ भी नहीं मैं तो पीस हूं यदि इससे कुछ अच्छा फल है और लोगों का उद्धार है यह सब आपका महत्व है आचार्य की आज्ञा अनुलंघनीय है वो तो मैंने नहीं किया परन्तु यदि आप ऐसा समझेंगे कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो महाराज जब इतने लोग उद्धार होंगे उन लोगों का उद्धार के लिए ये मात्र एक व्यक्ति रौरवादी नरक में पड़ना अच्छा ही है उतने लोगों के सुख को अपहरण करके एक व्यक्ति स्वर्गानुभव में रहने से एक व्यक्ति नरक जाएगा इतने लोग सारी दुनिया उद्धार हो जाएगी यह तो बहुत बड़ी बात है मुझे ये तो सहमत है ये तो अंगीकार है मैं इसको स्वीकार करता हूं तो गुरु जी का मन शांत हो गया क्योंकि रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि ये तो मेरा प्रभाव नहीं है आपका श्रीचरण ही सामने रख कर ये हुआ तो ये तो महत्व इसका पूरा फल आपका श्रीचरण का ही है तो मैं तो केवल एक मौत मात्र हूं तो गुरु जी तो प्रसन्न होकर बंधो रामानुजाचार्य स्वामी जी को आलिंगन करके कहा हे रामानुज अब तक हम मंत्र का वैभव मात्र जानते थे लेकिन आप लोगों का दुख को आपने देखा कष्टों को आपने देखा कष्ट मिटाने के लिए चेष्टा आपने की संसार को अभी यही जरूरत है कि एक मूलवान चीज है उसको पास में रखकर भीख मांगते रहने से क्या फायदा है दुनिया को देना है ये देने की कृपा दया आपके अंदर है कुरेश एक स्वामी जी महाराज है रामायण स्वामी जी का शिष्य बोलते हैं दया का सिंधु, आप तो दया का सिंधु सागर है तो स्वामी जी गुरु जी महाराज ने कहा रामानुजाचार्य जी को एक नाम दिए हैं पेरुम आनार ये तो तमिल भाषा है तमिल में बोलते हैं यम पेरुम आनार हमसे आप बढ़कर हुए हैं मन नाधा संस्कृत में बोलते हैं मन नाधा बंधो याद रखना गुरुजी अपना पुत्र को लाकर रामानुजाचार्य के पास सौंप कर आज से है रामानुज आपकी ये कृपा है ये संसार को देना है हमारा ज्ञान से कोई फायदा नहीं है हमारा ज्ञान का जरूरत नहीं है आपका जो ज्ञान है जो दूसरों का कष्ट को मिटाना दूसरों का कष्ट के लिए जिसका हृदय रोता है पीड़ पराही जानी रे ये तो बोलते हैं ना वही तो वैष्णव बनता है तो वैष्णवता का आप साक्षात स्वरूप है तो आपका विज्ञान आज से दुनिया को जाए और मेरे पुत्र को भी आपका विज्ञान आप देना है बंधुओं ये तो रामानुजाचार्य स्वामी जी की कृपा थी ये की बात बोलते हैं रामानुजाचार्य स्वामी जी का जो सिद्धांत है जिसको हमारे यहां नारायण संप्रदाय भी अपनाकर उसी मार्ग पे साधु संतों को और समाज को भी चला रहा है वो है शरीर शरीरी संबंधा बोलते हैं शरीर शरीरी संबंधा बोलते हैं ये तो शास्त्र की बात बन गई मैं तो मेरी छोटी सी वाणी में बता दूंगा आपको अभी ये एक शरीर है और इस शरीर के अंदर पता है कितने करोड़ संख्या में जीव कण है करीब सिक्स हंड्रेड ट्रिलियंस सिक्स हंड्रेड ट्रिलियंस ट्रिलियन माने एक के बाद बारह जीरो रखेंगे एक के बाद बारह शून्य रखेंगे एक ट्रिलियन बनता है ऐसे छह सौ ट्रिलियन जीवकण इस शरीर के अंदर है और इन जीव कणों को कवर करते हुए ये शरीर है और इस शरीर के अंदर हम हैं हम माने जो बोलता है मैं हूं मैं हूं ये मेरा शरीर ये मेरे हाथ है ये मेरा पैर है ये मेरा आंख है वो एक है हम दोनों को पीछे और एक है वो है भगवान नारायण वो है भगवान नारायण वो मेरे भी पीछे हैं, मैं हूं कहा ये तो पता नहीं है परंतु मैं हूं कण कण के अंदर और ये कण है कहां और कोने कोने के इस शरीर पे बंधुओं यद्यपि इतने सैकड़ों कण हैं लेकिन कोई एक कण को कुछ बुखार आता तो समझो शरीर के अंदर रहने वाले इतने सैकड़ों कण भी रोते हैं उसको देखकर आपका मन भी कष्ट पाता है उसको निकालने के चेष्टा करते हैं कोई औषधि देते हैं और उस कण को सुधारते हैं जिसे सारे कण भी सुधर जाएंगे और आप बोलेंगे मैं अब स्वस्थ हूं और जब तक ये होम जो बोलता है वो रहता है तब तक इतने कण भी जीव कण बोलते हैं लिविंग सेल्स जब ये एक अंदर से बाहर निकलता है यद्यपि वो सारे कण यहीं रहते हैं वो सब अचेत बन जाते हैं निर्जीव बन जाते हैं ये हम जानते हैं ये तो लौकिक बात है फिर भी यहां जानने की बात एक है बंधु जो रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने बताए और हमारा संप्रदाय स्वामी नारायण संप्रदाय अपनाया वो है इस संसार में जिसको हम ये वर्ल्ड बोलते हैं और इसमें कितने प्रकार का जीव है ये संसार एक शरीर है और इस शरीर के अंदर मानव है मानवों में भी बहुत प्रकार के मानव है ठीक है कोई बात नहीं कोई सफेद है कोई गोरे हैं, कोई काले हैं कोई लंबा है कोई चौड़ा है कोई मोटा है कोई छोटा है कोई बात नहीं है लेकिन इतने प्रकार का नर जाति एक है जंतु जाति एक है वृक्ष जाति एक है और प्रकृति की कई प्रकार की शक्तियां हैं ये सब जीव कण जैसे हैं ये प्रपंच जो है ये संसार जो है शरीर होता तो इसके अंदर रहने वाले जितने भी जीव मात्र है वो संख्या तो बोल नहीं सकेंगे और ये सब जीवकण जैसे हैं और इन जीवकणों के पीछे चलाने वाला एक है वो है नारायण वो इन सब को चलाता है जो नारायण मेरे अंदर है आपके अंदर है सबके अंदर है चाहे वो प्राणी हो अप्राणी हो सबके पीछे है वो सबका स्वामी है सबका स्वामी है सबका मालिक है और हम सब उनके शरीर हैं जीवों को यानी जीव कण को और शरीर को जैसा अंदर रहते हुए एक माय बोलता है वैसा ही इसके अंदर रहकर और सबके अंदर रहकर वो नारायण स्वामी बनकर इन सब को चलाता है उनका नाम है शरीरी इनको शरीर जैसा रखने वाला और हम यानी प्राणी और ये सारा प्रकृति ये सब उनका शरीर है ये शरीर शरीर भाव संबंध बोलते हैं बंधुओं ये क्यों जानना है ये जानने से क्या फायदा है ये तो बिल्कुल सिंपल है हम सब अपने शरीर को तो प्यार करते हैं संसार में सबसे ज्यादा प्यार शरीर के ऊपर ही रहता है शरीर को ठीक रखने का कोशिश करते हैं एवं एवं रक्षते भगवान विष्णु भक्तान आत्मशरीरवत भगवान सारी प्राणी को जैसा हम अंदर रहते हुए हमारा शरीर की रक्षा करना चाहते हैं इसको कुछ भी कष्ट नहीं हो यदि कष्ट होता तो उसको मिटाने के लिए कुछ भी करो और कष्ट को दूर करो कष्ट का भंजन करो और स्वस्थता से रहो ऐसा जैसा हम चाहते हैं अपना शरीर में वैसे ही भक्तों को जो शरणागत बनते हैं जो भक्ति करते हैं उनको भगवान अपना शरीर समझकर उनकी रक्षा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं कैसे करते हैं वो तो परंपरा को चलाते हैं भगवान साक्षात सब कुछ कर सकते हैं फिर भी परंपरा को रखकर आचार्यों के द्वारा साधु संतों के द्वारा सज्जनों के द्वारा भगवान अपनी कृपा को दिखाते हैं बंधुओं और वैसे ही आचार्य परंपरा होती है आचार्य परंपरा हमारे साथ रहकर हमारी रक्षा करते हुए हमारा अज्ञान को दूर करते हुए हमको तत्व ज्ञान को बताते हुए भगवान की रास्ते पे ले जाता है आचार्य परंपरा ऐसा ले जाती है हमको साक्षात और ऐसी परंपरा में आज महाराज राकेश प्रसाद स्वामी जी महाराज आज यहां पर उपस्थित हैं तो हो भाग्य की बात है और यहां जितने भी संत गण हैं और उन महान के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके और उस संप्रदाय को संसार में कोने कोने पे ले जाते हुए रहने वाले लोगों को प्रतिबोधन करते हुए सदाचार को देते हुए भ्रष्टाचार को दूर करते हुए लोगों का प्रतिबोधन कर रहे हैं ये तो अवभाग की बात है और उनको प्रेरणा के रूप में यहां पर विराट रूप धारण करके कष्ट भंजन करते हुए हनुमान जी विराजमान हैं और ये तोह भाग्य बात है ये हनुमान जी हम जानते हैं बहुत विद्वान हैं श्री वाल्मीकि में रामचंद्र भगवान स्वयं ही कहते हैं न किसी के बारे में रामचंद्र का भी प्रशंसा न करते हैं किसी को भी प्रशंसा बिल्कुल नहीं करते हैं लेकिन एकमात्र एक का प्रशंसा रामचंद्र भगवान ने किया हनुमान जी का लक्ष्मण जी से कहते हैं जब पहले बार मुलाकात हुआ हे लक्ष्मण जो आए हैं जो हमारे सामने खड़े रहे हैं ये मत समझो ये तो साधारण व्यक्ति हैं ऋग्वेद विनीत ना यजुर्वेद धारिणः द विदुषा एवं प्रभाषित होशियार ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और न्यूनम व्याकरण कृष्ण अने बहुधाश्रुतम व्याकरण भी बहुत सुंदर इन्होंने जान लिया नहीं तो इतने दूर इतने बात कहते हुए भी एक अपशब्द भी इनके मुंह में नहीं है लक्ष्मण लगता है यदि शत्रु तलवार उठाकर सिर काटने के लिए सामने खड़ा रहा तब ये जो सामने खड़ा रहा है हनुमान यह अपने मुंह खोलकर बात आरंभ करता तो उनका तलवार ऑटोमेटिक नीचा जाएगा वो भूली जाएगा कि मैं इस काम पे आया हूं इतना प्रभावशाली दिख रहा है यह हनुमान जी का महत्व है रामचंद्र जी स्वयं ही प्रशंसा की खैर रामचंद्र जी करना तो उतना बड़ी बात नहीं है रावण भी किया है जिसके पास जाकर सामने उनकी सभा में खड़े रहकर उनका दोषों को दिखाकर हे रावण तूने गलत काम कर रहा है दूसरों की चीज तुम्हारे घर में है तो तूने दोषी बन गए ले जाकर स्वामी को दे दो यजमान को दे दो तब तुम्हारा जीवन बचेगा ऐसा उन्होंने करीब पंद्रह मिनट तक उन्होंने रावण को उपदेश देते रहा उस समय में हम जानते हैं रावण की सभा में जाकर और उनका सामने उनके लोगों के सामने और उनके ऊपर कुछ दोषारोपण करते तो वहां रहने वाले सब उठकर तलवार उठाए कुछ करने के लिए समझे उस समय में हुआ क्या रावण खड़े रहकर अरे चुप बैठ देखो कितना सुंदर बोल रहा है कितनी अच्छी बात बोल रहा है यद्यपि ये, ये गालियां दे रहा है तो भी वो गालियां जैसा नहीं है सुनने के लिए स्रोत्रेशु पुमसाम अमृतम क्षरंती हमारे कानों में अमृत उन्होंने प्रोक्षण कर रहा जैसा लग रहा है हनुमान तू आगे बढ़ो गो हैड माई फ्रेंड आप लोग बैठ जाओ उनको बिठाए रावण ने ये भंजे का हनुमान का प्रभाव है ऐसा कष्ट भंजन करते हुए हनुमान जी यहां पर पधारे और बाद में हमारे स्वामी नारायण संप्रदाय यहां से दुनिया को जो मूल सूत्र है जो मूल शास्त्रार्थ है जो मूल संप्रदाय है उसको दिखाने के लिए लोगों के पास ले जाने के लिए लोगों को समझाने के लिए सही रास्ते पे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उसके द्वारा संसार की रक्षा करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं और हमको बहुत आनंद हो रहा है यहाँ पर इतना महत्व को देखते हुए श्री राकेश प्रसाद स्वामी जी महाराज की कृपा और उनकी श्रद्धा और उनका परिश्रम इन साधुओं के द्वारा इन साधु संतों के द्वारा दुनिया में कोने कोने पे प्रसार हो और प्रचार भी भगवान का जो शरीर शरीर संबंध का अच्छी तरह सबको मालूम हो और सब लोग भगवान की रास्ते पे संगम संवद ऐसा साथ चलते अपना धर्म का अपना सनातन धर्म का वैभव को बढ़ाए ऐसी प्रार्थना भगवान के सम्मुख में करते हुए और संकट भंजन हनुमान जी को भी ऐसे ही आप जैसे भक्ति से विनयशील होकर रामचंद्र जी की सेवा की ऐसा ही हम सबको भगवान नारायण की सेवा में आगे बढ़ने के लिए ताकत और बुद्धि ये दें ऐसी हम प्रार्थना करते हुए हमको इसी 175 महोत्सव का सु अवसर पर यहाँ भाग देकर हमको भी संकट भंजक का कृपा पाने के लिए एक अवकाश दिए हैं जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और हम आप सबको भी स्वागत करेंगे कि हमारे जो मूल आचार्य हैं रामानुजाचार्य है स्वामी और उनका दर्शन करने के लिए और उनके द्वारा प्रेरणा और भी पाने के लिए वहाँ पर पथारें हम सुने हैं हमारे प्र, आ, विवेक स्वामी जी ने बताए कि हमारे आचार्य श्री के साथ हम वहाँ पर एक बार आए परंतु आपके साथ मिलना नहीं हुआ हम ऊपर ऊपर से ऐसा ऐसा देखकर कर वहाँ से आ, चल दिए हमारे मन में तो बहुत कष्ट हुआ इसी बात को सुनकर क्योंकि आचार्यश्री वहाँ तक आकर भी साक्षात मुलाकात करने के होने के लिए हम वंचित हो गए तो आचार्य श्री से हम फिर भी प्रार्थना करेंगे और एक बार स्वामी जी महाराज वहाँ पर पधारना है अभी इस आगे फरवरी 20 तारीख से 9 दिन तक वहाँ पर समता कुंभ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर यानी ब्रह्मोत्सव जिसको बोलते हैं वो दूसरा ब्रह्मोत्सव उसका ब्रह्मोत्सव को ही समता कुंभ ऐसा नाम वहाँ पर दिया गया है क्योंकि जब पहले बार प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ जितने भी संत गण वहाँ पर पथारे थे वो सब कहें कि ये तो समता कुंभ का जैसा लग रहा है सो जैसा लगना क्यों वैसे ही होना चाहिए तो ऐसा हमने उसका समता कुंभ नाम दिया तो समता कुंभ इस चौबीस चो, साल में फेबर फेबरवरी बीस से उन्नीस तक वहाँ पर चल रहा है स्वामी जी महाराज कृपा करके अपना परिवार के साथ अपने शिष्य गण के साथ उस समता कुंभ को सार्थक बनाएं और वहाँ पर पथार कर स्वामी नारायण का भी वैभव और हमको भी सुनाएं ऐसे इसी प्रार्थना से हम स्वामी जी को भी हृदय से और हृदय का अंदर से हम आह्वान समाह्वान अर्पण कर रहे हैं और बंधुओं आप सबको भी आचार्य श्री के साथ वहाँ पर पधारने के लिए हम स्वागत करते हैं और आह्वान करते हैं और इसके साथ आज इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका हमको भी दिए हैं जिसके लिए हम बहुत बहुत आभार को प्रकट करते हुए हमारी वाणी को विराम देते हैं जय श्रीमनारायण जय स्वामीनारायण